अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नीलम नवाब। आप देख रहे हैं पाक 22 न्यूज़ HD। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। सांगर से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ आबिद अलवी की रिपोर्ट के मुताबिक सांगर डिविजनल कमिश्नर शहीद बिनतीर अबाद डिवीजन सैयद मोहम्मद सज्जाद हैदर शाह की जानिब से आज अचानक सिविल अस्पताल सांगर का दौरा किया। दौरे के दौरान डिविजनल कमिश्नर ने मुख्तलिफ वार्ड्स का जायजा लिया और मरीजों की आदत करते हुए सेहत की सहूलियात के बारे में मालूमात ली। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सलीम जतोई, DHO डॉक्टर फैज मोहम्मद मरी, सिविल सर्जन सांगर डॉक्टर शबीर अहमद छीनान भी उनके हमराह थे। सिविल अस्पताल के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर शहीद बिनतीर अबाद डिवीजन ने सिविल सर्जन सांगर डॉक्टर शबीर अहमद छीना की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि सिविल अस्पताल में मौजूद अद्वियात और मरीजों की तादाद से अंदाजा होता है। डॉक्टर शबीर अहमद छीना की जानिब से बेहतर काम किया जा रहा है। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वर्क्स एंड सर्विसेज शफीक अहमद चिनड़, मोहम्मद अली शाह और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे।